प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी अटल जी की सरकार के समय। मैं कवि के रूप में अटल जी के परिवार में उनके छोटी गोष्ठियों में जाता रहता था। प्रमोद जी आमंत्रित करते थे और उस समय प्रधानमंत्री जी के पास पार्टी का महत्वपूर्ण काम था, तो संवाद में पता चला कि वो भी गुजराती कविताएं लिखते हैं। वो उस समय कहीं एक सांसद महोदय के घर पर रहते थे और मैं पहली बार गया तो मुझे लगा कि इतना महत्वपूर्ण पद पे एक आदमी है और इतना साधारण तरीके से एक टेप रिकॉर्डर जो होता था पुराने ज़माने का, वो वीडियो वाला, वो ऑडियो वाला रखा हुआ है, कुछ कैसेट्स रखी हुई हैं, कुछ किताबें रखी हुई हैं, एक तख्त है, एक अलमारी है। वो सामान्य मुलाकातें थी जैसे किसी संगठन के किसी व्यक्ति से होती है, जैसे कांग्रेस में, बीजेपी में या किसी पार्टी में लोगों से, कवि साहित्यकार की होती हैं। लेकिन 2002 में जब वो वहाँ मुख्यमंत्री हो गए तब उन्होंने जो अलग अलग प्रयोग किए वहाँ पर, तो उनमें सांस्कृतिक प्रयोग भी किए, उन्होंने कल्चरली खुद को इम्प्रोवाइज किया। ईश्वर नाना में सौगंध लूं छूं। राष्ट्रवाद तो मूल फलक है उनकी वैचारिकी का, उसके चारों तरफ ही उनकी चिंतना आप देखिए घूमती है और वो अब डीएनए में इतनी घुलमिल गई है उनके में कि आप सोचें उससे वो बाहर सोचेंगे वो नहीं सोच सकते। और मूलतः राष्ट्रवाद समाजवाद ही है, मूलतः राष्ट्रवाद समाज को साथ लेकर चल। राष्ट्र क्या है? देश मिट्टी, ईंट, गारा, लाल किला, कुतुब मीनार, संसद, इससे थोड़ी बनता है। देश तो जन से बनता है, मनुष्यों से बनता है। तो मनुष्यों की सम्मिलित चेतना जिस परिधि में बसी हुई है उसका उत्थान हो, उस मनुष्य का उत्थान हो। तो जो राम का राष्ट्रवाद है जिसमें भील हैं, कोल हैं, किरात हैं, निषाद हैं, शबरी है, रिक्ष हैं, वनवासी हैं, ये सब लोग हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। अतत्वेषु कायो नमस्ते नमस्ते, हम हे माँ तेरा काम करते करते इस शरीर को अपने को गिरा दें। तो ये कौन कहता है? ये सैनिक कहता है ना सीमा पर खड़ा हुआ, ये कौन कहता है? ये वर्दी पहने हुए सिपाही कहता है ना, ये इसरो में काम करता हुआ साइंटिस्ट कहता है ना, ये के सिवन की टीम कहती है चंद्रयान भेजते समय कि माँ 24 घंटे काम करेंगे लेकिन तेरे लिए काम करेंगे, तू आसमान में चंद्रमा पे दिखना चाहिए तेरा अंश। तो ये किसी भी देश को प्रफुल्लित करता है और खास तौर पर ऐसे देशों को जिन्होंने 1000 वर्ष गुलामी झेली हो। उनके पास तो अब बचाने के लिए केवल यही बचा है कि वो इस थॉट को बचा के रखे। इस थॉट का कई बार मिसयूज भी होता है और कई बार अच्छा यूज भी होता है। अगर लीडर चाहे तो ये बेसिकली मैं आपको बताऊं परमाणु के टूटने जैसा है। इससे बम भी बना सकते हो और इससे ऊर्जा भी बना सकते हो। आप अगर बड़े लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, अगर आप एक आप में उस तरह की ताकत है तो आप अपने देश को उस जगह पर ले जा सकते हैं जहां ले जाना है। और अगर आप हिटलर हैं, मुसोलिनी हैं, अगर आप कोई ऐसे हैं तो आप इससे बम बना सकते हैं, आपके निर्णय देश को गलत स्थिति में ले जा सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री प्रचारक से राजनेता हुए हैं, वो देश के उन गिने चुने नेताओं में हैं जो बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बने, इनको सीधे दिल्ली से कहा गया कि जाइए शपथ ले लीजिए और फिर उन्होंने चुनाव लड़ा। तो लोकप्रियता कैसे हासिल करनी है और कैसे उसको बरकरार रखना है, इस पर उनकी 24 घंटे दृष्टि है। क्योंकि वो जानते हैं कि बिना लोकप्रिय हुए वो चयनित नहीं हो सकते और बिना चयनित हुए जो उनकी सोच है, जो वो करना चाहते हैं, उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो आप कुछ भी करते रहिए। तो आप देखिएगा कि मैं इसे उनके 14वें उद्भव के बाद 19 तक मैं इसे मोदी मॉडल ऑफ पॉपुलर पॉलिटिक्स बोलता हूँ। बहुत सारे मुख्यमंत्री देखिए आप उनकी तरह एक्ट करते हैं, उनके विरोध में रहने के बाद भी वो एक एक बात पे डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या होगा तो ऐसा क्या करूँगा। प्रधानमंत्री को एंगल्स पता हैं कि अब जनता क्या सोच रही है। महामहिम द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन हुआ, अभी वो राष्ट्रपति पद की उन्होंने शपथ नहीं ली है, वो उनको शाम को मिलने के लिए गए, तो वो छोटा सा ही घर शायद मेरे ख्याल से झारखंड भवन या कहाँ वो रुकी हुई थी महामहिम हमारी, तो पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी थे और जो संयोजक थे चुनाव की ओर से शायद गजेंद्र भाई, गजेंद्र शेखावत जी, ये तीन लोग थे। तो मैंने देखा कि महामहिम बाहर निकली, जब तक महामहिम हुई नहीं थी, केवल निर्वाचित प्रत्याशी थी वो। प्रधानमंत्री ने उनको प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि गाड़ी सामने, तो प्रधानमंत्री कहा नहीं आप पहले जाइए। ये जो कश्मकश है ये करीब 4 सेकंड चली, 4 सेकंड बाद जो अंदर चली गई तब वो बैठे। अब दो बातें हैं, एक तो कि प्रधानमंत्री को इस लोकतांत्रिक परंपरा का भान है और इसका सम्मान है। विरोधी कहेंगे नहीं, सबको पता है कि कैसे चुने जाते हैं लोग, सबको पता है कि जो वो चाहे वो कर देते हैं,
कोई सोच भी नहीं सकता था कि द्रौपदी मुर्मू, कोई सोच भी नहीं सकता था कि जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री जी का निर्णय है, जो कर दिया, पार्टी का निर्णय है। एक है कि उन्हें कैमरे का पता है, उन्हें जनभावनाओं का पता है। मेरा कहना है कि अच्छे राजनेता के लिए दोनों गुण आवश्यक है, उसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पता व सम्मान भी हो, और उसे जनभावनाओं की का एक आदर भी हो कि जनता क्या सोचेगी, जनता क्या नहीं सोचेगी, तो वो जानते हैं। इसलिए जैसे कहते हैं ना कि समाजवाद भी है एक तरीके का और राष्ट्रवाद भी है। कोई भी काम क्रिया पर निर्भर होता है। हमारे यहाँ जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यही विडंबना है जीवन की। आप सिर्फ ज्ञान देते रहिए, क्रिया मत करिएगा। भाई आज जो लोग प्रश्नों के घेरे में हैं, देखिए लोग कहते हैं कि मोदी जो है तानाशाह हैं, मोदी क्या लोकतंत्र नहीं है। ये कौन लोग कहते हैं? आप चलना शुरू करिए उत्तर प्रदेश में, वो लोग जो अपने पिता की नहीं सुनते, चाचा की नहीं सुनते। दिल्ली में वो आदमी जिसने अपने गुरु की नहीं सुनी, अपने भाइयों जैसे दोस्तों की हत्याएं की राजनीति। वो बंगाल में हमारी मुख्यमंत्री जी जो भतीजे के अलावा किसी पे विश्वास नहीं करती। तो सबसे पहले तो क्रेडिबिलिटी से क्रेडिबिलिटी टकराई खत्म हो गई कि यार तुम तो बोले ही मत, प्लीज चुप रहो। अब वो समझ में नहीं आ रहा उनके कि चिपक क्यों नहीं रहा। वो मेरे सब मित्र हैं, मैं उन सबसे कहता हूं कि भाई आप रॉन्ग फील्ड में लड़ रहे हैं, वो फील्ड है आप चिपका ही नहीं सकते। उसके बेटा नहीं है, उसका भाई कैबिनेट में नहीं है, उसके चाचा के लड़के को नहीं टिकट लेना, वो कुर्ता झाड़ के खड़ा रहता है कि बोल बहुत बताओ तुम कौन, तुमको लेना है। तो प्लीज इस वाले विषय पर बात मत करो। आपकी क्रेडिबिलिटी आपकी क्रियाओं से बनती है। जैसे 370 हटेगी, मैं आपको बताऊं समस्त भरोसे के बाद भी मेरे जैसा आदमी मानने को तैयार नहीं था, इसलिए मैं मंचों से छेड़ता था। और भाई हटा ली 370, नाराज होते थे भाजपा के दोस्त, यार आप कैसे बोलते हो। अब मैं कहता हूं कि चलो युग को एक ऐसे चंद्र बरदाई की आवश्यकता है जो बीच बीच में पृथ्वीराज को कहता रहे कि बना, करता क्यों नहीं है, मत चूके चौहान। तो हम बोलते थे, मैं जयपुर में कार्यक्रम के बाद सुबह मुझे निकलना था, आप लोगों का फोन आया कि भाई रुकिएगा एक बाइट देनी है, कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ HM कुछ बोलने वाले। मैंने TV चलाया, मैंने 15A और 370 ही सैड, दिस वॉज अटर डिसबिलीव ऑन ईयर कि यार ये कैसे हो सकता। और मैं अपने सोफे पर चिल्लाया, तो ये एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। रात को डिनर करा के सुबह, अरे सुनो यार अमित भाई सुबह 370 हटा देते हैं, ऐसा थोड़ी हुआ होगा यार डोवाल साहब, चलो कर। अरे भाई इस पर लंबी रिसर्च हुई होगी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे डील होगी, ये जो काउंटर टेररिज्म है इसका कैसे मैनेजमेंट हम करेंगे, इंसर्जेंसी पे हम क्या करेंगे, अंदर क्या उबाल होगा, जनभावनाएं, डोवाल साहब का वहाँ जाना, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना, बकरी चलाते बच्चों से बात करनी, वो सब प्लान हुआ होगा, तभी तो हुआ होगा वो सब। आपने कर दिया, अब आप लोग करें करिए, तो हो गया। अब क्या है, दिल्ली में जो आदमी सुबह दोपहर शाम पानी पी के कोसता है, कुछ काम उन्होंने ऐसे कर दिए हैं जो उनकी उस तरह की जो पहली सोच थी उस समय पे, जो निर्णय ले लिया कर लिया। क्योंकि अब ये संकट तो है नहीं कि पॉलिसी पैरालिसिस का, कि प्रधानमंत्री ने कुछ सोच लिया तो किसी और घर चेक करवाना है पहले, फिर 5 बैठेंगे, फिर 6 बताएंगे। यहां तो सोच लिया उन्होंने, तो वो हेड ऑफ द स्टेट हैं और कैबिनेट उनकी इंट्यून्ड है, पार्टी उनके पीछे खड़ी हुई है। क्योंकि बहुत दिन बाद कोई ऐसा नेता है जो पार्टी का भी सर्वोच्च नेता है और सरकार का भी सर्वोच्च नेता है। उन्होंने अपने से लेके और 10-15-20-100 तक गिनती बंद कर दी है। पहले होता था ना कि मनमोहन सिंह जी बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है, चिदंबरम जी भी लगे हुए हैं, प्रणब मुखर्जी लगे हुए हैं, है ना, सब लोग पीछे लगे हुए हैं, मेरा बन सकता है, मेरा बन सकता है, वहां तो किसी का बन सकता है। ऐसी पहले भी होता रहता था, BJP में भी अटल जी की सर्वोच्च स्वीकार्यता के बाद भी, अटल अडवाणी युग, PM इन वेटिंग। आप बताओ कि आपको PM इन वेटिंग है क्या? कहते रहे लोग बाग दो एक नेताओं के, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कि सिंबोलिज्म है सियासी अंदाज में या किसी भी अंदाज में, फकीर एक, जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो फकीर होना सिंबोलिज्म है। प्रधानमंत्री ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, प्रधानमंत्री अच्छे से रहते हैं, एंड आई एम हैप्पी, मतलब एज ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री मैं बहुत खुश हूं कि मेरा प्रधानमंत्री अच्छा दिखे। अब विश्व में कहीं जाए तो मेरा प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री हो, मेरे को अच्छा लगे, तो अच्छे दिखते हैं, सुदर्शन है, पगड़ियों का चयन करते हैं, बढ़िया करते हैं। बट भारत में एक बड़ी कंसेप्ट है कि अगर आपके चारों तरफ आपके पारिवारिक वो लोग नहीं है जिनके भले के लिए आप सोचते हो, जिनके जीवन के बारे में आप सोच रहे हो, तो आदमी इमेज बना लेता है कि तो फकीर है। फिर बीच में उनके सिंबोलिज्म है कि भाई उनके यहाँ चाय का खर्चा नहीं है, वो अपनी किचन का खर्चा खुद देते हैं। तो अब ये तो विपक्ष को तय करना पड़ेगा साहब, भरत तो राजा हो चुके थे,
जब पंचवटी मिलने के लिए गए थे चित्रकूट में, तो चाहते तो मुकुट वुकुट लगा के जा सकते थे। ये क्या है कि गुरुकुलों में घुसते समय सारे राजा अपना मुकुट उतार देते थे, अपना रथ बाहर छोड़ देते थे, अपने जूते उतार देते थे, अपना कंधे से तूणी रख देते थे और फिर जाते थे अंदर घुस के, क्योंकि वो वहां के वनवासियों को, पढ़ रहे बच्चों को कॉम्प्लेक्स नहीं देना चाहते थे। ब्याह करना तुम्हारे यहां, तो मेरे को क्या बकवास करते हो, मांग के खाई वो मस्जिद में सोई वो, मांग के होऊंगा मस्जिद के बाहर सो जाऊंगा, ये जो जुमला है कि मेरा क्या है झोला उठा के चला जाऊंगा, इसको विपक्षी जिस तरह से डील करते हैं उनका डील करने का तरीका गलत है। प्रधानमंत्री के अंदर है या सिंबोलिज्म है जो भी है, बट इट इज ब्रॉट, ये बाई किया जा रहा है। जिस समय उन्होंने ये कहा कि मैं सुभाष की मूर्तियां खड़ी करूंगा, जॉर्ज पंचम को हटाऊंगा, मैंने उसी समय उनके विरोधियों से कहा कि तुम छाती पीट के मर जाओ, देश तुम्हारा तर्क बाई नहीं करेगा। क्योंकि भाई साहब इस देश में इतना ज्यादा 1000 साल की गुलामी को लेकर गुस्सा है, इस देश में सुभाष बाबू के प्रति कृतज्ञता न ज्ञापित करने के खिलाफ इतना ज्यादा गुस्सा है, पुराने गुलामी के चिन्ह हटाने ही चाहिए। बट उन्हें पता था कि नौसेना का झंडा बदलना जैसी छोटी चीज, दिस इज कॉल्ड मोदी, कि झंडा बदलना है, ये किंग जॉर्ज का जो क्रॉस लगा हुआ ये हटाना है, तो उनको पता है कि अगर ये हटाना है और ये करना है तो सिम्बोलिज्म से खेलना कैसे, पब्लिक सेंटीमेंट से कैसे इसको जागृत रखना। जो लोग कहते हैं कि पब्लिक सेंटीमेंट से रियल समस्याओं का समाधान क्या होगा, वो गलत है। मैं मानता हूँ कि नहीं होगा, लेकिन रियल समस्याओं के समाधान के लिए पब्लिक सेंटीमेंट ज़रूरी है। जैसे मैं मोदी जी की एक बात आपको बताता हूँ, 2015 के आसपास उन्होंने कहा स्वच्छता, शायद 15 या 16 में उन्होंने कहा सफाई करिए सफाई करिए, लोगों ने बड़ी मजाक उड़ाई, लोगों ने वो फोटो इकट्ठे करे जहाँ पहले कूड़ा बिखेरा गया और उनके मंत्री सांसदों ने कूड़ा साफ किया, लोगों ने इस तरह के चीज़ें चलाई, तो एक जनरेशन में ये बात गई कि गंदगी नहीं करनी है। अब ये केवल मोदी से नहीं चलेगा, उनके बाद जो भी प्रधानमंत्री आए, उनके बाद जो प्रधानमंत्री आए वो लगातार कहें, तो 15-20-30 साल में देश में एक सफाई की योजना आ जाएगी। मेरी जो आशा अपेक्षा रहती है प्रधानमंत्री से बार बार रहती है कि वो इसे और अधिक सकारात्मक क्षा में और अधिक जिसे कहते हैं राष्ट्रोन्नति में इसका इस्तेमाल करा दें, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो कहेंगे तो देश मान लेगा, वो कहेंगे इतने बजे थाली बजाओ देश थाली बजाएगा, वो कहेंगे इतने बजे डॉक्टर्स के लिए दिया जलाओ दिया जलाएगा। तो प्रधानमंत्री के पास वो एक ताकत है जो उन्हें मिल गई है, ये जो भरोसा है जो विश्वास है, ये तो कर्म से कमाया जाता है, एक प्रारब्ध से कमाया जाता है और एक शून्य से कमाया जाता है कि पीछे क्या था। ये जो आखिरी आदमी है, जो मल्लाह है, निषाद है, कोल है, जिनके मैं कह रहा हूँ बैकवर्ड क्लास है, दलित हैं, तो सवर्णों से, मध्यम वर्गीय सवर्णों से फिसल के पार्टी वहाँ पहुँची, तो इसके लिए उन्होंने मेहनत की, सिंबोलिज्म भी तैयार किया। आज आप ट्राइबल में देख लीजिए ना, ट्राइबल के समूह बन गए थे राजस्थान में, ट्राइबल का समूह बन गया था मध्य प्रदेश में, ट्राइबल का समूह झारखंड में है ही, ट्राइबल का एक समूह छत्तीसगढ़ में भी काम करता है, अलग अलग, और ट्राइबल आउटफिट जो है वो पॉलिटिकल क्लैंस में कन्वर्ट हो रहे थे, 5 सीट 3 सीट 4 सीट आने लगी थी। द्रौपदी मुर्मू को महामहिम राष्ट्रपति जी के का जो निर्वाचन हुआ है, जिस पद पर वो गई हैं, उससे कितना बड़ा संदेश गया है। अब आप पूछते हैं कि भरोसा कैसे, ऐसे भरोसा आता है,
झाबुआ के थांदला के कोने में बैठा हुआ एक आदिवासी, जब उसे पता चलता है कि उसकी जाति की, उसके क्लैन की एक महिला देश की सर्वोच्च सेनापति बन गई, राष्ट्रपति बन गई, तो उसको कहता है हाँ ठीक है, मेरी भागीदारी है। ये जो प्रधानमंत्री का विशेष रूप से राजनीतिक कौशल मानूंगा मैं इसे, प्रशासनिक कौशल की बजाय, कि उन्होंने आखिरी आदमी जो था उसको छोटी छोटी, वही फिर बात आती है कि कार्य करके दिखाइए, जैसे उज्ज्वला, जैसे शौचालय, जैसे मकान। अगर एक भी ऐसा मॉडल आपने गांव में स्थापित किया तो भरोसा बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। तो दोनों ही बातें हैं साहब, देखिए मैं मानूं उनकी मार्केटिंग और प्लेसिंग तो अद्भुत है, भारत ने ऐसा राजनेता नहीं देखा। उनकी जो प्लेसमेंट है अपनी बात को, अब एक मूर्ति हटाना यार और एक मूर्ति लगाना, आदमी ये भी सोच सकता था चलो मैं इसे हटाई आता हूँ, नहीं साहब, उन्होंने उसको तैयार करा, उसे बेचा, ये गुलामी है ये, अरे गुलामी थी भैया, 15 में क्यों नहीं हटा दी तुमने, 14 में आते क्यों नहीं हटा दी, गए तो 14 में भी फूल चढ़ाने थे 15 अगस्त को, देखते बोले गुलामी ऐसे हटाऊंगा कल, बोल देते, एक सेकेंड लगता। वो महेश जी संस्कृति मंत्री थे, कहते डॉक्टर महेश उसको हटाओ, विवेकानंद तैयार करो, विवेकानंद जी की मूर्ति तैयार होती, पर नहीं, उसका समय है, उसकी प्लेसिंग है, समान नागरिक संहिता कब आएगी, जनसंख्या कानून कब आएगा, एवरीथिंग इज प्लेस्ड। और एक पॉलिटिकल लीडर को, एक प्रशासक को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने पत्ते करीने से लगा के रखे और उनको चले, एंड वो चल रहे हैं इसलिए वो सफल हैं। एक तो उनकी साहसी जो प्रवृत्ति है रिस्क लेने की, कि आगे बढ़ने की, और निश्चित रूप से जब आप इतने क्षेत्रों में घूमते हैं तो आपकी समझ जनता के प्रति, समुदायों के प्रति, जातियों के प्रति, धर्मों के प्रति बढ़ती है, और अगर वैश्विक रूप से घूमें तो देशों के प्रति बढ़ती है। ये आपकी जो आउटरीच जितनी ज़्यादा हो, ये आपको उतना समृद्ध बनाती है। तो प्रधानमंत्री ने प्रचारक के रूप में बहुत काम किया है, बहुत घूमे हैं, संगठनकर्ता के रूप में बहुत घूमे, तो निश्चित रूप से उन्हें मध्य प्रदेश की जो समझ है, जो राजस्थान, अब एमपी में वो रहे हैं, एमपी में आज जो लोग राजनीति के पर्याय हैं, चाहे कैलाश जी हों, चाहे शिवराज जी हों, इन सब के साथ उन्होंने संगठन के प्रभारी के रूप में काम किया है, ओमातुर के साथ काम किया है, उत्तर प्रदेश में काम किया है, पंजाब के प्रभारी रहे, जम्मू कश्मीर पंजाब के। अब उन्हें कोई आदमी पंजाब पे ज्ञान देने आए कि साहब वो मालवा रीजन में ऐसे होता है और माझा में ऐसे होता है, तो दे नहीं सकता, ही नो, अरे इज ए क्विक लर्नर। जैसे आप उनके पास जाइए, एक बार शूट की बात आप कर लीजिए, कोई वो पूछें कि ये कैसे होता है, ये वाला कैमरा कैसे चलता है, ये पार्चर क्या लगता है, लाइट क्या लगता है, एक बार उन्हें समझ लिया, 10 साल बाद कोई आदमी आएगा तो उसे बता सकेंगे कि इसमें तो ऐसे होता है, इस कैमरे में तो वैसे होता है। तो ये जो स्मृति है, जो क्विक लर्निंग है, ये एक लीडर को ग्रो कराती है, और एज ए लीडर उन्होंने ग्रो किया है। ऐसा नहीं है कि हर निर्णय सही ही पड़ता हो, जैसे वो नवाज शरीफ के गए थे तो उस निर्णय की बहुत आलोचना हुई थी आपको याद, और पुलवामा के बाद तो बेहद आलोचना हुई। पुलवामा के समय में सब गुस्से में थे, लेकिन इतना होगा ये मुझे भरोसा नहीं था। मोदी जी ने जो करा वो जैसे भी करा होगा, पर देश ऐसा देखना चाहता था कि आप घुस के मार के गए हमारे, तो हम भी घुस के मारेंगे। ये जो घुस के मारेंगे, ये देश की दमित इच्छा थी, ये 135 करोड़ लोगों का मन तक मारने से मार दिया, तो 135 करोड़ ताली बजाने लगे। तो प्रधानमंत्री का जो हौसला था, एक तो उसने काम किया कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा। आप सोचिए ये हौसला पहली बार आपको कब दिखा, हर स्तर पर हमारी क्षमताओं का विस्तार हुआ, हमारी सेना ने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि हम छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अगर छेड़ा तो हम उसे छोड़ते भी नहीं है। ये पहली बार आपको देखा लाल बहादुर शास्त्री, जब सेनाध्यक्ष ने आके कहा कि जी उधर से आके मार के भाग जाते हैं कबायली, तो बोले वहां जाके मारो, तो उसने कहा साहब इसका मतलब तो युद्ध होगा, बोले अपने नागरिकों की रक्षा के लिए शांति हो या युद्ध करना पड़ेगा, और घुस के मारा। तो आज भी शास्त्री जी के नाम पर इस देश में ताली बजती है। दूसरा आदमी आपके पास ही आया, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल युद्ध में ये नहीं किया था, एयरफोर्स नहीं गई थी, कारगिल युद्ध हमारे नौनिहाल नवीन छौने जैसे लड़कों के सहारे जीता था हमने, पर इस जमीन में घुस के मारना, कि वहीं जाके मारूंगा, जैसे हमारे यहाँ गांव जवान में कहते हैं ना तेरे घर में घुस के मारूंगा, ये आपकी हनक का प्रतीक है। तो ये भारतीय अस्मिता का, स्वाभिमान का प्रतीक बन गया, अब वो इतिहास में लिख गई है। आप गाली दीजिए, कुछ करिए, मोदी ने वो क्रेडिट ले लिया है एज ए एग्जीक्यूटिव चीफ ऑफ दिस कंट्री, ये समझना पड़ेगा। तो इसके लिए जो आत्मविश्वास आता है वो जनता से आता है, अगर जनता साथ नहीं है,
अगर इलेक्टोरल प्रोसेस में नंबर नहीं दिख रहे हैं तो नहीं आएगा। इसलिए आपने देखा होगा जहां जहां इलेक्शन फंसता है ऐसा लग रहा होता है चल रहा है इलेक्शन फंस गया, लास्ट में प्रधानमंत्री उतरते हैं और बदल देते हैं। उत्तर प्रदेश के लास्ट चरणों में यही हुआ, पिछले गुजरात चुनाव में भी यही हो रहा था। ऐसा लगता है कि ये वाला इलेक्शन फंसा, फिर प्रधानमंत्री उतरते हैं फिर बदल जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बड़ी जनसंख्या उन पर भरोसा करती है। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि उन्हें उस भरोसे को बड़ा करना है, सच सिद्ध करना है, और लोक मंगल के और बड़े निर्णय जो ये देश प्रतीक्षा कर रहा है वो लेने पड़ेंगे। मंदिर में 200 सीढ़ी होती हैं, 20 सीढ़ी पे बच्चा हाँपने लगता है, वो कहते हैं बस बेटा 5 और है, बस बेटा 6 और है, पप्पू अभी चढ़ते हैं बेटा, बाप झूठ थोड़ी बोल रहा है, अगली 6 उसके बाद 6 और हैं। बच्चे का आत्मविश्वास बना हुआ है कि 6 के बाद हो जाएगा, 7 के बाद हो जाएगा। प्रधानमंत्री का 47 तक का कोई ख्वाब नहीं है, ईश्वर उन्हें शतायु करे, लेकिन उनका प्रधानमंत्री पद पर दावा तो है नहीं। 47 में क्या होगा, 50 में क्या होगा, ना पता भी नहीं है। जैसा कि अब अप्रोच कर रहे हैं 75 की, 72 या 73 जहां भी हैं, ईश्वर उनको आयु दे, 100 वर्ष से अधिक की आयु दे। लेकिन वो इस देश को भरोसा, भाई एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते थे 2020, 2000 में कह रहे थे वो कि 2020 में हमको यहां पहुंचना है एज ए राष्ट्रपति, जबकि उनके पास तो कोई कार्यकारी का काम भी नहीं था, राष्ट्रपति थे। तो एक नेता की जिम्मेदारी होती है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है, दिनकर जी ने लिखा। तो ये जो नेता की जिम्मेदारी, बस अब करा, अब करा, अब करा। ये जो क्रिकेट मैच में आखिर की 7 बॉलें होती हैं और उन पर 12 रन बनने होते हैं, तो कप्तान बुला के कहता है कि देख बस तू चौका मत जाने देना और तू ना शॉर्ट पिच मत फेंकना, बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, तू यहाँ फेंक, मैं बता रहा हूँ तू इधर लग। ये क्या है, ये उन 12 लोगों को, 10-11 लोगों को एक नेता भरोसा दिलाता है कि हम जीत रहे हैं। हम जो कहते हैं आज़ादी के जब 100 साल मना रहे होंगे तो क्या होगा, हम बापू के 100 साल मना रहे होंगे तो क्या, पहले बापू वाला भी बोलते थे ना, बापू के 100 साल मना रहे होंगे तो क्या होगा। ये एक लंबा विजन देश को देना, पर मैं कहता हूं कि जो आदमी करता है उससे उम्मीद होती है। मुझे प्रधानमंत्री से अभी बहुत आशाएं और अपेक्षाएं हैं, मतलब मैं एक जिसे कहते हैं ना 25% नाराज वोटर हूं, 75% संतुष्ट, हो सकता है मैं लालची वोटर हूं, मुझे लगता नहीं ये और हो जाना चाहिए, ये और हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कर सकते हैं, इनके पास है, ये चाहेंगे तो कर लेंगे, प्रधानमंत्री चाहेंगे तो हो जाएगा ऐसा सोचेंगे। इतिहास बड़ा क्रूर है बॉस, बड़ी चीरफाड़ करता है। श्रीमती इंदिरा गांधी से अगर आपातकाल का निर्णय ना हुआ होता जो कि उनसे करवाया गया उनके पुत्र और उनके सलाहकारों द्वारा, तो आज आपको पलड़ा उनका सत्कर्मों वाला इतना भारी दिखता, इतना भारी दिखता कि बहुत हम उनसे ऑब्सेस्ड रहते। छोटे से निर्णय ने गड़बड़ करा दी, उसमें प्लस माइनस ज़्यादा हो गया है ना, वैल्यू माइनस की ज़्यादा हो गई। तो प्रधानमंत्री का आकलन उनके इस पद से हट जाने के 5-10 साल बाद शुरू होगा। 5 साल बाद तो उनके हैंगओवर में लोग रहेंगे, कट्टर विरोधी कट्टर विरोध की बात करेंगे, समर्थक दबे स्वर में समर्थन की बात करेंगे। अभी तो वो सरकार में है, अभी तो ताकत में है, भारत के सबसे प्रभावशाली नेता हैं वो अक्रॉस द पार्टी लाइन। इस समय किसी पार्टी के पास इतना बड़ा मॉब कैचर, इतना बड़ा वोट कन्वर्टर, इतना बड़ा करिश्मेटिक नेता, जादूगर टाइप का जो जाए यूं करे, जिसके जूते पे भी चर्चा हो, जिसकी पगड़ी पे भी चर्चा हो, जिसके निर्णय पर भी चर्चा, उनके फंबल तक पे चर्चा है। और एक आखिरी बात मैं आपको बताऊं, एक ऐसा नेता आप ढूंढ के लाइए जो आलोचना किस बात पर करनी है ये भी खुद ही तय करता है। विपक्ष से मैं कहता हूं तुम अभी तक ये नहीं कर पाए कि तुम्हें जो होमवर्क दे रहे हैं प्रधानमंत्री, तुम उससे बाहर का काम कर लो। एवरी टाइम ही यूज टू गिव होमवर्क, ओके ये है इस पर गाली दो मुझे, वो खुद तय कर देते हैं कि गाली दो, उन्हें पता होता है कि एक दिन मैं बोलूंगा। 1 साल विपक्ष गाली देता है, 1 साल बाद वो लाल किले से किसी मन से कहते हैं उस समय सब मुझे गाली दे रहे थे, जनता कहती है हाँ बात तो सही थी यार, गाली तो दे रहे थे इसको, बेचारे का क्या दोष है, और सिंपैथी बढ़ जाती है। तो उनका आकलन मैं मानता हूँ कि अभी इतिहास न करे तो बेहतर है, क्योंकि अभी तो देखिए इस देश को वो दिन भी याद है जब इस देश की दीवारों पर इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया लिखा गया था। उस समय उनके विषय में आलोचना करना या सोचना भी एक गुनाह अजीम था। अभी तो प्रधानमंत्री उनसे ज़्यादा बड़े करिश्मेटिक लीडर हैं और उनसे ज़्यादा व्याप्ति है उनकी, सोशल मीडिया, मीडिया और मुखर समर्थक हैं, बहुत मुखर समर्थक हैं। आप चौराहे पे बात करिए लोग लड़ मरेंगे आपसे, सामान्य आदमी जो ट्रेन में, लोकल ट्रेन में, मेट्रो में चलता हुआ, बस में चलता हुआ, चौराहे पे बैठा हुआ, गांव की चौपाल पे बैठा हुआ, जिस मुखरता के साथ उनके लिए लड़ता है, ऐसा नहीं है कि श्रीमती सोनिया गांधी के समर्थक नहीं, उनकी विनम्रता, उनकी शालीनता इसके समर्थक नहीं, ऐसा नहीं कि अशोक गहलोत बेहद विनम्र मुख्यमंत्री, मुझे नहीं लगता कि इतने गांधीवादी थॉट का कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा हो, इतना सादा, उनके समर्थक नहीं है, उनके अद्भुत समर्थक है राजस्थान में, लेकिन वो मुखर नहीं है।
अगर चौराहे पे कोई आदमी मोदी अशोक गहलोत के बारे में बात करने लगे तो वो 10 में से 7 का पैनल होगा जो मोदी जी के साथ खड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है इतिहास उनका आकलन सत्यता के साथ, तटस्थता के साथ और निर्ममता के साथ करे, मैं ऐसा चाहूंगा और करेगा भी। और मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री को भी यह बात सदैव याद रखनी चाहिए कि जब वो प्रधानमंत्री पद से नीचे आएंगे तब इतिहास उनका आकलन करेगा। और मैं ऐसी शुभकामनाएं देता हूं उनके जन्मदिन पर कि उनका कार्यकाल जो भी जब तक बीते वो ऐसा बीते कि इतिहास उनके बारे में शुभ सोचे, अच्छा सोचे, उन्हें धन्यवाद दे, उनकी प्रशंसा करे। अभी भी उनके पास बहुत समय है और अब उनके पास करने के लिए असंख्य काम है। इस देश के करोड़ों लोग उनकी ओर, उनके विरोधी तक, मैं आपको बता दूं जो राजनीतिक पार्टियों में उनके विरोध में काम करते हैं, उन तक को भी एक भरोसा है कि ये कर लेगा, इस पे हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि उनको 135 करोड़ भारतीयों को, सबको अपनी पार्टी का, सबको अपनी सरकार का मानते हुए अभी कुछ निर्णय और करने चाहिए, कुछ काम और करना चाहिए। और देश ने जो उन्हें ऊर्जा दी है कि हम पीछे खड़े हैं, आप चिंता मत करना, वी आर विद यू, लीडर के लिए ये बहुत, लीडर पीट करके चलता है बॉस। एक सिकंदर, एक चंद्रगुप्त, एक स्कंदगुप्त पीट करके चलता है, घोड़ा आगे होता है लीडर का और पीछे सोच के देखिए मैं क्या बिंब बना रहा हूं। एक स्कंदगुप्त आगे चल रहा है और 1,00,000 तीर पीछे हैं। एक गलत निर्णय से वो तीर तेरी पीठ में भी जा सकते हैं और एक सही निर्णय से वो तीर शत्रु पे जाकर तुझे सम्राट भी बना सकते हैं, विजेता भी बना सकते हैं। वो पीछे मुड़ के कभी भरोसे के लिए देखता नहीं है कि मेरे साथ आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, मेरे साथ आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, वो मान के चलता है कि मेरे साथ खड़े हो। तो मुझे लगता है कि मोदी ये मान के चलते हैं कि लोग उनके पीछे खड़े हैं और जब वो मान के चलते हैं तभी वो निर्णय कर पाते हैं। जैसे मैडम इंदिरा गांधी के बारे में हम 2-3 निर्णय याद करते हैं कि उन्होंने ये पाकिस्तान वाला परमानेंट टंटा खत्म कर दिया, प्रीवी पर्स खत्म कर दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, सिक्किम जोड़ लिया, कुछ निर्णय हम उनके याद करते हैं। राजीव गांधी का एक निर्णय याद करते हैं कि उन्होंने भारत को कंप्यूटरीकरण करने में, उसके तकनीकीकरण करने में रुचि दिखाई। ऐसे ही प्रधानमंत्री के बारे में अब हम याद कर सकते हैं, आज की डेट में अगर हम याद करें कि उन्होंने कश्मीर की समस्या का एक महत्वपूर्ण निदान की तरफ कदम बढ़ाया, उन्होंने एक बहुत वर्षों से लंबित राम मंदिर का जो मुद्दा था इसको एक गति उन्होंने दी, उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया, उन्होंने पड़ोसी देश को ये संकेत दिया कि अब ये चलेगा नहीं कि तुम आए और बम विस्फोट करके चले गए, अगर आप करोगे तो हम मारेंगे, हम घुस के मारेंगे और विश्व समुदाय को इसको टेकन गांटिल लेना पड़ेगा, कोई चौधरी ना बने फालतू में। कोरोना के टाइम में भी वैक्सीन का निर्णय उस तरह से लेना, जिस तरह से वैज्ञानिकों को बुलाया गया, जिस तरह से वैज्ञानिकों को पे किया गया आउट ऑफ द निर्णय डिसीजंस लेके कि नहीं बननी है, इस समय लोग बचाने ज़्यादा ज़रूरी है, ये निर्णय याद किया। या जिस तरह से अनुपात में बाहर भेजी गई और अंदर भी देखा गया, सो प्रोएक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं। मतलब जनरली इतना प्रधानमंत्री का कार्यालय होता नहीं है कि वो ये भी ध्यान रखे कि कुमार विश्वास ने क्या ट्वीट कर दिया और वो ये भी ध्यान रखें कि वहाँ गोवा में क्या हो रहा है, 2 विधायक कांग्रेस के कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, और काम बांट के रखें। तो मुझे लगता है कि ये एनर्जी है, ऊर्जा है, इस आयु में अच्छी एनर्जी है, योगाभ्यासी हैं, शाकाहारी हैं, व्रत उपवास रखते हैं, जल्दी जागते हैं, समय पर सोते हैं, इसके लिए तो ईश्वर उन्हें दीर्घायु रखे, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। और राजनीतिक नेता के अतिरिक्त तो मेरी जो उनसे एक मैत्री है, एक बड़े की तरह, वो सुदीर्घ रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।